हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे सोयाबीन बिरयानी, एकदम झटपट बनने वाली रेसिपी। सर्दी के दिनों में तो खाने का मज़ा ही कुछ अलग है, तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे लिए हैं मैंने कुछ सोया चंक्स 20 से 25, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, उसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और पानी बॉईल होने के बाद उसमें हम सोया चंक्स डाल देंगे। सोया चंक्स को 2 मिनट अच्छे से उबाल लेना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे। अब इस पे ढक्कन लगाकर इसको हमें साइड में रख देना है। तब तक हम बिरयानी के लिए जो वेजिटेबल्स रखने वाले वो देख लेते हैं। तो बस यहाँ पे एक पैन गरम किया है, उसमें ऑयल डाल दिया है 1 टेबलस्पून जितना। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, इसमें मैंने एक प्याज लिया है जिसे स्लाइस में कट करके इसको हम ब्राउन करेंगे, ब्राउन होने तक पका लेना है। अगर आपको बिरयानी और स्पाइसी चाहिए तो इसके लिए आप तेज़पत्ता, लौंग, काली मिरी, इलायची ये सब यूज कर सकते हैं, पर मैंने गरम मसाला इसमें डाला है तो मैं ये स्किप करूँगी। हमारे फ्राइड अनियन बनके रेडी है, इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और उसी पैन में एक बड़ा प्याज स्लाइस करके डाल दिया है। वेजिटेबल्स आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, एक टोमेटो उसको भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं बड़े छोटे पीसेस कैसे भी। और यहाँ पे मटर लिए हैं करीब 1/2 कप जितना, इसे बॉईल नहीं करना है, इसे हम ऐसे ही पकाएंगे। और यहाँ पे एक छोटा आलू मैंने उसको भी स्लाइस में कट कर लिया है। इसी स्टेज पे आप फ्लावर भी डाल सकते हैं या फिर कैरेट भी डाल सकते हैं। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करना है और 1 मिनट के लिए इसे ढक्कन लगा के पकने देना है। 1 मिनट के बाद फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। दो टीस्पून जितनी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, थोड़ा गरम मसाला पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मैंने लिया है शाही बिरयानी मसाला, ये तो बिरयानी की जान है, इसके बिना तो बिरयानी बन ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जितना बिरयानी मसाला भर के डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे मसालों में सारे वेजिटेबल्स अच्छे से पकने देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने पुदीना के पत्ते जो क्रश कर कर मेरे पास पाउडर थी वो डाल दिया है, आपके पास अगर पत्ते हैं फ्रेश तो आप डाल सकते हैं, मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना स्टार्टिंग में भूल गई थी तो मैंने अभी इसे डाल दिया है, आप इसे स्टार्ट में डाल दीजिएगा। तो बस इसे एक बार अच्छे से मिक्स करना है।
अब यहाँ पे बॉईल किए हुए सोया चंक्स मैंने दो पानी से अच्छे से निचोड़ लिए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले सोया चंक्स में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसी स्टेज पे यहाँ पे 4 टेबलस्पून जितना मैंने दही लिया है, गाढ़ा दही बिल्कुल भी, आपके पास अगर गाढ़ा नहीं है तो आप उसे एक कपड़े में बांध के आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दे, सारा पानी बाहर आ जाएगा और हमारा हंकड़ बन के रेडी होगा। तो बस यहाँ पे दही डालने के बाद इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से पकने देना है ताकि दही अपना ऑयल अच्छे से छोड़ दे। अब इसी स्टेज पे नमक डाल देना है स्वादानुसार और एक बार अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसे ढक देंगे ताकि पूरी वेजेस अपना ऑयल छोड़ दे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है, वैसे तो सारी सब्जियां पक चुकी है, बस थोड़ा यहाँ पे पानी डाल दिया है। इसे 1 मिनट तक अच्छे से पकाना है मिक्स करके। और यहाँ पे डाल दूंगी मैं केसर वाला पानी, जो केसर मैंने ऑलरेडी पानी में भिगो के रखा था, तो बस थोड़ा सा पानी अभी डालना है और थोड़ी हरी मिर्च जो मैंने स्प्लिट में कट कर ली थी इसे डाल देना है, अच्छे से मिक्स करना है। और थोड़ा मैं यहाँ पे क्रश पुदीना डाल दूँगी, पुदीना पाउडर डाल दूँगी यहाँ पे। थोड़े से फ्राइड अनियन डाल दूंगी। और अब यहाँ पे मैंने जो चावल पहले से ही बॉईल करके रखे थे इसे हम लेयर में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो ये देखिए हमारी बिरयानी की सेकंड लेयर, इसके ऊपर हम फ्राइड अनियन और डाल देंगे। आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके ऊपर आप सैफरन वाला वाटर डाल देंगे अच्छे से पूरी जगह पे, इससे टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है। और इसी स्टेज पे आप 1 टेबलस्पून घी या फिर बटर डाल सकते हैं, पर घी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। और थोड़ा मैंने यहाँ पे पुदीना पाउडर डाल दिया है भर भर के। पुदीना तो बिरयानी में जाता ही जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा मैंने गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया है, थोड़ा बिरयानी मसाला और नमक थोड़ा स्प्रिंकल कर दिया है। झटपट बनने वाली कुकर में पनीर बिरयानी कैसे बनती है मैंने रेसिपी शेयर की है, आप आई बटन देख लीजिएगा। अब हम बिरयानी को दम देंगे, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन हीट करने रख दिया है और उसके ऊपर हम हमारा बिरयानी वाला पैन रख देंगे और 15 मिनट तक इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक होने देना है ताकि इसे अच्छे से दम मिल जाए। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्प्लिट चिली और रख दूंगी साइड बाय साइड गार्निश के लिए, और डेकोरेशन में भी थोड़ा अच्छा लगता है।
ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हैं। और इसे 15 मिनट तक अच्छे से कुक होने देना है। ये देखिए 15 मिनट के बाद इसका अरोमा इतना अच्छा आया है कि क्या बताऊँ, मन कर रहा है बस अभी ही खा लेना है इसे। तो बस ये गार्निश के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे गार्निश कीजिए रायते के साथ, कौन सा भी रायता आप इसके साथ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ककड़ी टमाटर का रायता बनाया है। सर्दी के मौसम में गरम गरम बिरयानी और उसके साथ रायता, वाव, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये सोयाबीन बिरयानी एकदम बढ़िया बन के रेडी हुई है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।